जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा दसवीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा दसवीं की पांचवी अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने अभी तक क्या चीज़ें डिस्कस कर रखा है, तो हमने ये डिस्कस कर रखा है कि एन पद हम कैसे निकालते हैं, और एन पद निकालने के लिए हमारे पास पहला पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। फिर हमने स्टार्ट किया था योगफल कैसे निकालते हैं, एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालते हैं, है ना। तो उसी पर संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो, इसमें कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये चेक भी करना होगा, जैसे जनरली क्वेश्चन इसमें दिया है तो जरूर एपी में ही होगा, लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि एपी में है या नहीं। जनरली मान लो एपी समांतर श्रेणी का चैप्टर चल रहा है तो बोल देंगे हाँ एपी में है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ निकालो। लेकिन आपका सबसे पहले मेन मोटिव यही होना चाहिए, मेन तरीका यही होना चाहिए कि आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि हाँ ये एपी में है, तभी हम एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एपी में नहीं होता, एपी वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एपी में होने के लिए क्या देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सर्वांतर बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो कि ये हो गया हमारा पहला पद ए वन, और ये मान लो हमारा दूसरा पद जो कि किसके बराबर होगा, 10 × 20 और 21/2 जो कि हो गया हमारा किसके बाद, दूसरा पद ए टू के बराबर, और ये हो गया हमारे पास तीसरा पद ए थ्री के बराबर, है ना। तो हमें सबसे पहला क्या देखना, हमें सबसे पहला देखना है कि सर्वांतर बराबर होना चाहिए, है ना। तो पहला देखो डी वन, और डी वन क्या होता है, डी वन होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद क्या है हमारे पास 21/2 − 7। चेक कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है वन है, तो ये हो गया देखो दो, ये हो गया 21 − 14, तो यहाँ से हो गया देखो हमारे पास 7/2। यानी पहला सर्वांतर क्या आ गया, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, इन दोनों के बीच का अंतर आ गया 7/2। अगर इसके बीच का भी अंतर 7/2 आ गया तो बोलेंगे कि हाँ ये एपी में है, तब आराम से फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो दूसरा सर्वांतर निकाल लेते हैं, वो हो गया सर a3 − a2, है ना। a3 कितना है सर, 14 − 21/2, 14 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या है 1, तो ये हो गया सर 2, ये हो गया 28 − 21, ये हो गया देखो 7/2। अगेन देखो ये भी आ गया कितना, 7/2, इसके बीच का भी अंतर कितना गया, 7/2। यानी हम बोलेंगे कि दोनों का सर्वांतर क्या है, बराबर है, यानी d1 बराबर d2 है। इस प्रकार यह जो दिया गया है आपका श्रेणी किस में है, एपी में है, समांतर श्रेणी में, तब हम इसका एपी में है, इसलिए हम इसमें एपी वाला फॉर्मूला लगा सकेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे जनरली क्या होता है, अगर दूसरे जगह कहीं देखते हो तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दिया जाता है और बता देता है कि हाँ इसमें एपी का फॉर्मूला लगा लो। लेकिन सबसे पहला मेन मोटिव क्या होना चाहिए, चेक करो कि क्या वो एपी में, अगर ऊपर दिया रहता है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी में, तब हम आराम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, लेकिन कहीं दिया नहीं दिया है तो पहले चेक करना होगा कि एपी में है या नहीं। एपी में है तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, एपी में है तो हम आराम से फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन वाला फॉर्मूला। एसएन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एसएन वाला फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n − 1 × d, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि n कितने पद है, a मतलब पहला पद तो आपको दिख गया 7, और d तो आपको दिख गया क्या है सर, d आया था सर 7/2, और a कितना आया था, a आया था हमारे पास 7। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है सर क्या, ये n निकाला कितने पद हैं, है ना, ध्यान दो। तो हमें देखो इसका अंतिम पद पता चल गया, हमें इसका अंतिम पद पता है सर 84 है, अंतिम पद इसका पता है हमें 84 है, है ना। तो क्या लिखते हैं, निकाल लेते हैं टी एन का वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन मतलब अंतिम पद हमें दिया गया 84, प्लस ए पहला पद कितना है सर 7, प्लस n निकालना n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है सर सर्वांतर है 7/2। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो 84, ये प्लस के साथ, इधर के माइनस के साथ, इधर आगे n माइनस वन इंटू हो गया 7/2। अब देखो 84 में 7 घटा देते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लो सिंपल सा, ये देखा 7 × 7 = 14 की 77 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, और यहाँ आ गया सर हमारे पास n माइनस वन। आगे देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 से कट गया 11 बार में, ये आ गया 22, और इधर से माइनस का वन, इधर आके प्लस का वन, तो यहाँ से n का मान आ गया देखो 23, n का मान कितना आ गया 23। तो यानी हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुल पदों की संख्या कितनी है 23। तो आराम से यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी हमें निकालना है यहाँ पे 23 पदों का जोड़, यानी हो गया देखो 23/2, है ना। तो ये हो गया सर 2 × a, a का मान कितना है सर 7, प्लस 23 − 1 × d, d का मान कितना है हमारे पास 7/2, दिख माना है 7/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास,
ये हमारे पास देखो 23/2 इंटू 7 × 14 प्लस 22 × 7 × 2 ठीक है, देखो 11 बार में। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 23/2 इंटू 14 प्लस हो गया 77। और यहाँ से 23/2 इंटू, अब देखो 14 और 77 जोड़ देते हैं, 7 × 4 = 11, 7 × 1 = 8 = 9, 91 ठीक है। और ठीक है 91, अभी कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला के साथ, नीचे 2 हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं 91 में 23 से गुना करते हैं, हो गया देखो 3 × 3 = 9, 3 = 27, 9 × 3 = 27। और यहाँ से सर 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 9, 9 × 18 = 18, 3 हो गया 7, 9 हो गया 8, 10 हो गया 1, ये हो गया 2 ठीक है। यानी ये हो गया 2093/2, 2093/2 ये हो गया आपका लॉन्ग कट प्रोसेस, यानी सिंपल। इसमें आपको n निकालना होगा, तो हमने यहाँ से n से n निकाल लिया, और हमें क्या दिया गया सर, a प्लस n माइनस 1 डी, a का मान दिया है, n मिल गया, d मिल गया, हम सॉल्व कर दिया, कितना गया 2093/2। एक इसका और फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भी इसी में आ जाता है। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें, तो आप देखोगे यहाँ पे एस एन बराबर हो जाएगा, देखो एन बाई टू रहते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस ए, टू ए क्या लिखते हैं, ए प्लस ए प्लस हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका एन, एन बोलो या लास्ट टर्म बोलो बात बराबर है ना, ये लिखा है। तो चलो ध्यान दो, तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म बोलो या एन बोल दो बात बराबर है ना। अब ध्यान दो यहाँ से एस एन, एन का मान कितना है, एन का मान हमने निकाल दिया 23, एन मान कितना निकाला 23, तो बोल देंगे यहाँ पे एस 23 बराबर 23/2 इंटू पहला पद है 7 और प्लस लास्ट टर्म क्या है सर, लास्ट टर्म हमारे पास 84, लास्ट टर्म कितना है 84, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा सर 23/2 इंटू 91, देखो वही आ गया, सेम आ गया, देखो सेम यही आ गया ना 23/2 इंटू 91, तो कितना हो जाएगा 2093/2। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है। तो एक क्वेश्चन को बनाने के देखो कितने तरीके हो गए है ना, तो देखो जहाँ भी अंतिम पद दिखे, देखो अंतिम पद जिसमें दिया गया हो, अगर सम निकालना है, अगर हमें योग निकालना है और उसमें हमें अंतिम पद दिया गया हो, तो इस फॉर्मूला के बजाय अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाए तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। जैसे देख लो यहाँ पे 4 स्टेप में क्वेश्चन हल हो गया, और यहाँ पे कम से कम आपको 10 स्टेप लगाने पड़ गए है ना। तो जहाँ भी हमें अंतिम पद दिया गया होता है ना, तो वहाँ पर हम अंतिम पद वाला एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है अंतिम पद वाला एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस अंतिम पद, ये क्या है अंतिम पद है, पहला पद प्लस अंतिम पद, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी अंतिम पद दिया गया है, समझ में है ना, अंतिम पद यानी डायरेक्ट लाइन, कौन सा फॉर्मूला है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद। अब आप बोलोगे सर क्या पहला वाला फॉर्मूला नहीं, उस पर भी बन जाएगा, क्या फॉर्मूला है सर, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अभी भी बताया कि इसी में से रखे हमने इसको लाया, दोनों पर रखेंगे दोनों से बनेंगे ठीक है। अब आता है यहाँ बात, सबसे पहला बात कि यहाँ पे हमें एन कैलकुलेट करना है ना सबसे पहले। अब आप बोलो सर इसमें आपने तो ये चेक ही नहीं किया कि क्या ये एपी में, देख सकते हो चलो चेक कर लो, 32 में से 34 क्या माइनस का 2, इसमें क्या है सर माइनस का 2, हम सर्वांतर निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि सर सर्वांतर डी क्या आ गया सर, डी आ गया सर माइनस का 2, क्लियर। यानी दोनों -2 - 2 यानी क्या है एपी में, यानी इसका आराम से हम सर्वांतर बराबर, यानी इसका आराम से हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं, किस फॉर्मूला से, एपी वाला फॉर्मूला से, समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला से है ना। चले देखते हैं पहला पद क्या है, पहला पद है 34, निकालिए पहला निकालते एन, एन हो जाएगा आपके पास अंतिम पद दिया ही आपके पास, एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान हो जाएगा 10 बराबर ए का मान है 34 प्लस एन निकालना है माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है सर माइनस का 2, डी का मान आ गया देखो माइनस का 2, दिया गया देखो 10, ये प्लस का 34 इधर आ गया माइनस का 34 बराबर एन माइनस वन इंटू 2, तो यहाँ से देखो हमारे पास माइनस का 24 गुना में इधर के भाग में हो गया एन माइनस वन है ना। अब ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास देखो माइनस का 12, क्या आ गया हमारे पास माइनस का 12 ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस का 2 है, माइनस का 2 तो क्या होगा प्लस का 12 है ना, क्योंकि डी का मान क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का 1, यानी एन का मान कितना आ गया, एक मान आ गया 13,
एन का मान कितना है, एन का मान आ गया 13, ठीक है। जैसे ही हमें एन का मान मिला, हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और हमें इसका सम मिल जाएगा, इसका योग मिल जाएगा, ठीक है। यानी एस 13 निकालना है, एस 13 क्या हो जाएगा, 13/2 इंटू पहला पद कितना है 34, जो अंतिम पद कितना है 10। तो ये देखो एस 13 बराबर 13/2 गुने 44, तो ये आ गया हमारे पास 2 से 22 दूनी 44, और एस 13 का मान कितना जाएगा 22 गुने 13, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 2 2 6 8 2 कितना है 286। अब आप बोले सर क्या इस फॉर्मूला में रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, इस फॉर्मूला में भी रखोगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या शॉर्टकट ट्रिक बताया, जिसमें भी अंतिम पद दिया हो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला जरूर जरूर लगाओ, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में एक और क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। इसमें भी देखो क्या ये सार्वन देश का बराबर, चेक कर लो, डी निकालो, पहले डी वन निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है माइनस का 8 माइनस ऑफ माइनस का 5 कितना हुआ सर, माइनस का 8 प्लस का 5, ये आ गया सर माइनस का 3। फिर आ गया सर डी टू, तीसरा पद माइनस का 11 माइनस ऑफ माइनस का 8, तो ये आ गया सर माइनस का 11 जोड़ 8 कितना है सर माइनस का 3। यानी देखो इसका सार्वंत्र सर बराबर है, माइनस के तीन सार्वंत्र बराबर, यानी ये एपी में, यानी हम यहाँ पे समांतर शरीर वाला फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि सर यहाँ पे सबसे पहले पता कर लो कुल कितने पद हैं, तो हमारे पास अंतिम पद है, आसानी से पता कर सकते हैं, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अंतिम पद क्या है सर माइनस का 230 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 5 जोड़ एन निकालना है माइनस वन इंटू डी का मान कितना है सर, डी का मान है देखो माइनस का 8 माइनस कितना है माइनस का 3 है, चलो माइनस का 3, ये आ गया हमारे पास, चलो चेक कर लो माइनस का 30 और ये प्लस का 5 230 प्लस का 5 बट्टा में क्या होगा सर माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1, तो ये आ जाए देखो क्या माइनस का 225 बट्टा माइनस का 3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 225 225 बट्टा माइनस का 5 है ना बट्टा हो गया 3, और इधर आ गया हमारे पास n माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास देखो 3 7 21 3 5 15 ठीक है 3 7 21 3 5 15 और माइनस का वन इधर आके प्लस का 1 बराबर हो गया n, यहाँ पे माइनस का 3 है ना, देखो यहाँ पे यही छोटी छोटी मिस्टेक, देखो माइनस का 3 इन माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस वन देखो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 75 ये हो जाएगा n के मान 76, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, टोटल कितने पद है हमारे पास, टोटल पद है 76, 76 पद है, और जैसे हमें 76 पद मिल गया हम क्या करेंगे इन समांतर श्रेणी का हम योग निकाल लेंगे। क्या होता है योग का फॉर्मूला, बहुत ही आसान से, चलो यही बना लेते हैं, देखो एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद, और एन कितना मिल गया, एन मिल गया 76 पद है ना, तो 76/2 गुने पहला पद माइनस का 5 जोड़ अंतिम पद माइनस का 230, ये प्लस माइनस क्या होगा सर प्लस माइनस माइनस का 230 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो 76/2 इंटू माइनस का 235 है ना, 235 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा देखो 200 कटेगा 2 3 6 2 8 16 यानी 38 इंटू माइनस का 235 गुना कर लिया जाए, चलो गुना कर लेते हैं, यहीं भी कर लेते हैं, देखो 235 बट्टा मतलब गुना 38 8 5 40 4 8 3 24 4 28 ठीक है 2 8 2 16 4 3 5 15 3 3 9 1 10 और 3 2 6 1 7 ठीक है 3 3 9 1 10 3 2 6 1 7 ठीक है, तो ये हो गया देखो 0 3 ये हो गया 9 ये हो गया 8 ठीक है, यानी ये हो गया हमारे पास 8 9 3 0 यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का आ जाएगा 38 इंटू माइनस का 235 ये जगह हमारे पास माइनस का 8930 वाई 8930 माइनस का, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन था प्लस माइनस क्या होगा माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, बस एक याद रखना समझ मतलब बात याद रखना कि अगर कोई भी क्वेश्चन होता है ना अगर उसमें नहीं बोला रहेगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो देखो हमने पहले क्या किया चेक किया कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं फिर हमने आगे बढ़ा है ना, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको एकदम से समझ में आएगा। चलो इसी तरह हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके।